हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम रहमान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एनआरसी का जो बायोमेट्रिक एनरोलमेंट जो प्रोसेस है उसके बारे में दो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा जो अभी अभी आया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस वीडियो में बायोमेट्रिक एनरोलमेंट के बारे में बहुत सारा आप लोगों का जो है डाउट इस वीडियो में क्लियर होगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए दोनों जो है अपडेट, दोनों इन्फॉर्मेशन जान के जाना, ताकि आगे चल के आपको इसको लेकर परेशानी ना हो, आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। और हाँ फ्रेंड्स, एक भी जो है भाई इस वीडियो को प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाना, हर कोई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबा के रख लीजिए, ताकि नया नया अपडेट, छोटा बड़ा अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए, पहले जो इन्फॉर्मेशन है, नंबर वन इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो, अगर आपने बायोमेट्रिक एनरोलमेंट करवाया है तो आप में से बहुत सारे लोगों का मोबाइल पे ये एसएमएस आता होगा कि फिर से आपको बायोमेट्रिक एनरोलमेंट देना पड़ेगा। शायद आपके भी मोबाइल पे ये एसएमएस आया होगा, अगर आया है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो आपको क्या करना है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इसके बारे में पूछा था, जो बायोमेट्रिक एनरोलमेंट जो वेरीफायर है उनको पूछा था, तो उन्होंने बताया कि ये जो है टेक्निकल एरर के प्रॉब्लम से हो रहा है, आपको फिर से बायोमेट्रिक एनरोलमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। और आपको डरने की भी जरूरत नहीं है कि आपका मोबाइल पे फिर से बायोमेट्रिक एनरोलमेंट देने के लिए कोई एसएमएस आए, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यह हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है अगर आपको ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा होगा, आपके इस बारे में जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आपको जो दूसरा इंफॉर्मेशन है वो जल्दी से बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों के द्वारा कमेंट आता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ताकि आप लोग जो है अच्छे से हर इन्फॉर्मेशन जो है आपको समझ में आ जाए। तो दूसरे इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों का मोबाइल पर ये एसएमएस आता है बायोमेट्रिक एनरोलमेंट देने के बाद कि आपका बायोमेट्रिक एनरोलमेंट जो है रिजेक्ट हो गया है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो उसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि उसको लेकर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये टेक्निकल एरर की वजह से हो रहा है, आपको फिर से बायोमेट्रिक एनरोलमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हर लोगों के मोबाइल पर ये एसएमएस आता है कि आपका बायोमेट्रिक एनरोलमेंट रिजेक्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, यही दो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताने वाला था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को दोनों इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, वीडियो को ज़रूर व्हाट्सअप, फेसबुक पे अपने दोस्तों जरूर शेयर करना। और अगर आप चैनल पे पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबाकर रख लीजिए, ताकि नया नया इन्फॉर्मेशन, छोटा बड़ा अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।